few moments later. अस्सलाम वालेकुम, हो चुका है एक और ब्रांड न्यू रमजान के व्लॉग में। और रमजान में मैंने एक व्लॉग डाला था जिसमें बहुत व्यूज आए थे, तो मैंने आज फिर एक और व्लॉग लिया हूँ जिसमें हमारे घर पे आ रहे हैं मेहमान। तो आज मेरी मम्मा और मेरी खाला दोनों कामों में लगी हुई है, क्योंकि मेहमान जब आते हैं तो कामों में लगना पड़ता है, और वो अभी भी काम ही कर रही हैं। तो चलते हैं, उन्होंने क्या क्या पकाया है अभी, और ऊपर भी जाएंगे लेकिन उस थोड़ी देर बाद। लेकिन पहले अभी अपने घर से कमरे से करीब है, उनके भाई चलते हैं। Later. तो वही अभी वहाँ चुका हूँ अपनी मम्मा के किचन में, और अभी टाइम मैक्सिमम 5-15 और अभी से ही ना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अकेली होती हैं और काम इतना कोई कर नहीं करता, क्योंकि मैं भी इतना नहीं करता। तो अभी जो करा है वो पहले ये ब्लैक जो छोले होते हैं वो मतलब उन्होंने चढ़ा दिए हैं, और उसके बाद ये पकौड़ों का बेसन है, और ये उनका पूरा सामान है, और ये पालक है, ये भी पकौड़ों का सामान है, और ये भी सही है, और ये भी बेसन है। तो अभी तक बस इतना काम हुआ है, क्योंकि अभी 5-15 हो रहे हैं और अभी टाइम है मगरिब के अज़ान में। तो बस देखते हैं और आगे आगे क्या क्या बनता है, और ऊपर भी जाएंगे, तो बस चलते हैं ऊपर। अभी मैं आपने आ चुका हूँ अपनी खाला के किचन में, और उन्होंने अभी तक 3 चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। एक मतलब एक चीज़ हाफ बनी है और 2 चीज़ पूरी बन चुकी हैं, मतलब जैसे ये तरबूज काट ली है, और ये क्रीमी फ्रूट चाट पूरी कम्प्लीट हो चुकी है, और ये दही बड़ों का क्या है, दही बड़ों की क्रीम ये पूरी ना हो चुकी है कम्प्लीट। अब इसमें दही बड़े दलेंगे, जब वो जैसे पानी में डलते हैं मैंने उनको नॉर्मल करना होता है, और अभी हम फिर थोड़ी देर बाद आएंगे कि क्या क्या और बना है। तो देखते ये 3 चीज़ें बनेंगी, और बस चलते हैं नीचे और देखते हैं हम नीचे जाके क्या। तो ये अभी यहाँ पे पकौड़े पक रहे हैं, ये देखें इधर ये है, और बाकी कुछ जो पक चुके हैं उनको यहाँ रख दिया। और अभी जो प्याज वाले होते हैं वो अभी थोड़ी देर बाद पकेंगे, अभी जो आलू वाले सिंपल होते हैं वो ये रहे, और वो वही हैं जो पक रहे हैं अभी ऑयल में, सही है। और बाकी ये उनका सारा वो भी है मसाला वसाला है प्याज वाले पकौड़ों का, जब वो बनेंगे आप उसका दिखाएंगे। और अभी ऊपर से देख के आए थे, और शायद ऊपर भी अब शायद पकौड़े या कुछ और बन रहा है, तो चलते हैं वहाँ भी, जब से ऊपर नीचे करे आ रहे हैं हम, बस चलते हैं उधर भी। तो यहाँ पे अभी ये बन रहे हैं, कौन से वाले पकौड़े ये, पालक के पकौड़े, पता नहीं मैंने आज से खाए नहीं है क्या, चले ये बन गए, और बस चले। वही अभी आप लोगों को मैंने पकौड़े दिखाए थे, और क्योंकि मेहमान आ रहे थे तो कपड़े देखो कितने, कुर्ता वही पहना हुआ है कल वाला, कपड़े नहीं है यार, लेकिन हम अपने कपड़े चेंज करेंगे, सही है। नीचे मैंने ट्राउजर तो पहन लिया, लेकिन शर्ट अपने स्टाइल में पहनेंगे, कैसे लेट्स सी। वही शर्ट हमने पहन लिया, और बस चलते हैं पकौड़े। यहाँ पे प्याज वाले पकौड़ों का ये इधर एक ऑयल में पक रहे हैं, और एक ये बन चुके हैं, ठीक है, पालक के, और ये आलू वाले, और यहाँ समोसे वमोसे भी आ चुके हैं, और समोसे और इमरती जो जलेबी ना होती, सही है। अब ये पकते हैं, और इसके बाद हम डायरेक्ट, और रोबजा भी डन हो गया, ये 2 जग अपने पास हैं कांच के, और ये रोबजा अभी सिर्फ इसमें डलनी है आइस, जो आइस ये नहीं अपनी, ठीक है, ये अपनी बर्फ है, सही है। बस अब हम आपको डायरेक्ट मिलेंगे अफतारी के दस्तरखान पे। और देखो यहाँ पूरा हमारा दस्तरखान सज चुका है, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है पूरा, लेकिन अब तक मेहमान नहीं आए, मुझे लग रहा है आ भी रहे नहीं आ रहे, कन्फर्म नहीं है, तो फिर ये पूरा हमें खाना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो बस अब ये देखें अभी बस थोड़ा सा रह गया, तो बस जल्दी से अब चलते हैं अफतारी के टाइम, जब अजान होगी बस, जब आप उसे मिले सब कुछ हो चुका है, बस इधर रुआवजा और पापड़ की कमी है, बस बाकी पूरा हर चीज़ कम्प्लीट है, सही है। अभी जैसे हमने अफतारी कर ली, देखो पूरा फिनिश, लेकिन अफतारी के बाद एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है सबके लिए ही, और मेरे लिए भी, चाय। तो बस ये सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, और चाय अभी एक गेरी, और अभी कुछ बन रही है वो भी दिखाते हैं। बस अभी आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं, आई होप अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो इस व्लॉग को करें लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।